चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5,224 वोटों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 27,696 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 22,691 वोट मिले। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय बद्रीनाथ की जनता को दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यह चुनाव जनता पर जबरन थोपा गया, जनता ने अपना जनादेश देकर बता दिया है कि जो भी जनता के जनादेश का अपमान करेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम बद्रीनाथ विधानसभा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जीत के बाद कांग्रेसियों ने खूब जश्न मनाया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाए। मैं तो निमित्त मात्र था, ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, जनता इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को धन्यवाद देना। पूरे ने आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में जहाँ आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की भूमि है, जहाँ 18 पुराण लिखे गए हैं, जहाँ महाभारत लिखी गई है, जहाँ श्रीमद भागवत, जहाँ माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी।